वहाँ लोग कम ही जा रहे हैं। जबकि दोस्तों वो जो आप सामने देख रहे हो वो है हिडिंबा देवी मंदिर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से एक्सप्लोर विद MKB में स्वागत है। दोस्तों अब मैं आपको लेकर के आ गया हूँ वन विहार में, और मेरे पीछे पीछे आप देख रहे हो चीड़ के बहुत ही बड़े बड़े पेड़। इस सुंदर नज़ारे को अपनी यादों के लिए, अपने कैमरे से कैद करने के लिए मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ इस टाइम वन विहार में, जो कि मनाली से जब हम आते हैं और वन विहार रास्ते में पड़ता है, तो ये वन विहार वही जगह है जिसमें यहाँ पर चीड़ के बहुत ही ऊंचे ऊंचे पेड़ हैंगे। और वहाँ पेड़ों के पीछे वो व्यास नदी बह रही हैगी। जैसा कि आप देख रहे हो, तो आपको मैं बता दूं कि वीडियो में दिख रही बर्फ़ आज रात की ही ताज़ा बर्फ़बारी की हैगी, जिसकी वजह से यहाँ पर बर्फ़ का एक बहुत ही विशाल बर्फ़ का कालीन जैसे बिछ गया है। ज़मीन नहीं दिखाई दे रही, बर्फ़ ही बर्फ़ है जगह जगह, बर्फ़ ही बर्फ़ भाई, बिल्कुल प्योर बर्फ़। कहने वाली बात यह है कि ये कहाँ आ गए हम यूँ ही साथ साथ चलते हुए, पर यहाँ तो मैं पहुँचा हूँ अकेला, और कोई क्यों नहीं आया। बर्फ़ में चलना पड़ रहा है, बिल्कुल पैर जमा जमा के एकदम धीरे धीरे, ज़रा सी तेज़ी करी और फिसले, क्योंकि बर्फ़ जो है थोड़ी थोड़ी जम चुकी है। वो सामने वाला रास्ता जा रहा है घटोत्कच मंदिर के लिए, और यहाँ पे कुछ लोग अपने फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं। जो टूरिस्ट आए हुए हैं वो अपने यहाँ पे हिमाचली ड्रेसेस पहन करके फ़ोटो क्लिक कराते हुए, और वो है सामने डोंगरी वन विहार। दोस्तों वो जो आप सामने देख रहे हो वो है हिडिंबा देवी मंदिर का परिसर, और इसी के साइड में इधर अगर हम ये वाला रास्ता नीचे उतर जाते हैं, उधर से ये यहाँ से अगर हम उतरते हुए नीचे जाते हैं तो ये चला जाता है रास्ता क्लब हाउस के लिए। और वो सामने है वन विहार, डोंगरी वन विहार, मनाली हिमाचल प्रदेश का। एंट्री टिकट है यहाँ की 10 रुपये की। इस वीडियो में आप देख पाएंगे हिडिंबा देवी टेंपल, वन विहार, और जो भी यहाँ आसपास के नज़ारे हैं उन सबका आपको देखने का मौका मिलेगा। तो वीडियो में बने रहना, चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हुआ हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, और अगर कोई मनाली की तरफ आना चाह रहा हो तो उसको शेयर ज़रूर करना। यहाँ सीढ़ियों से नीचे से चल करके ऊपर आने पे कुछ ये छोटा सा रेस्टोरेंट शॉप भी हैगी, जिसमें आपको स्नैक्स वगैरह मिल जाएगा। और ये सामने का कुछ नज़ारा है, ज़मीन पे बर्फ़ अपना शानदार नज़ारा दिखाते हुए, और सामने चीड़ के पेड़। हालांकि यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है जिस पे जानकारी दी हुई है कि कुछ यहाँ देखने को बर्ड्स भी मिल सकते हैं, पर शायद बर्फ़ ज़्यादा हो जाने की वजह से ये सब पॉसिबल नहीं है। और यही सब कुछ नज़ारा है, लोग अपनी अपनी फ़ोटो क्लिक करते हुए, वीडियो बनाते हुए, ज़मीन पर पड़ी हुई है स्नो,
और लोग ऊपर तक जा रहे हैं। वन विहार में तो बस यही सब कुछ है देखने के लिए, और अभी इससे ज़्यादा तो कुछ यहाँ पर नहीं हैगा। तो यही सब देखने के बाद अब वापस चलते हैं नीचे। और दोस्तों, जो ये आप सामने मंदिर देख रहे हो, ये चार मंजिला है और हिडिंबा देवी नाम की राक्षसी का हैगा, जो कि पांडु पुत्र भीम की पत्नी थी और घटोत्कच की माँ थी। घटोत्कच के बारे में भी आप सभी जानते हैं कि उसने महाभारत के युद्ध में कितना पराक्रम दिखाया था। इस मंदिर के बारे में ज़्यादा अगर आप डिटेल्स देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो मेरा एक वीडियो इससे पहले इस चैनल पर अपलोड हो चुका है, आप उस पर जाकर के देख सकते हैं। यह मंदिर के आसपास और इनकी क्या विशेषता है, वो सब मैंने उस वीडियो में बताई हुई है कि किस प्रकार से राक्षसी होने के बावजूद भी इनकी पूजा यहाँ पर की जाती है। यही है भारत की नारी शक्ति का प्रतीक कि भारतीय नारी को जब वो राक्षस रूप छोड़ करके अपनी पूजा पाठ तपस्या कर लेती है, तो उसको भी देवी मानकर उसको महानता दी जाती है, पूजा की जाती है।